कोर गांव में एक अनाथ लड़का जूते पॉलिश करने का काम करता था। उसका नाम था राजू। राजू रोजाना बाजार में बैठ जाता और आवाज लगाता, आइए साहब आइए, जूते पॉलिश करवाइए, क्योंकि साफ जूतों से ही तो इंसान की पहचान होती है। एक दिन एक आदमी ट्रक से उतरता है और राजू से कहता है, मेरे जूते पॉलिश कर दो। राजू जब उसके जूते पॉलिश कर देता है तो वो आदमी कहता है, अरे वाह, तुम तो अपना काम बहुत मेहनत से करते हो, मैं तुम्हें पैसा तो देता ही हूँ, साथ में कुछ भुट्टे भी देता हूँ। मेरा गांव में बहुत बड़ा भुट्टे का खेत है। वो आदमी राजू को भुट्टे देकर चला जाता है। अरे इतने भुट्टे तो मैं खा नहीं पाऊंगा, क्यों ना मैं इन्हें शाम को बाजार में बेच दूं। शाम को राजू मंडी जाकर अपने भुट्टे बेचने के लिए आवाज लगाने लगता है, खाइए ताजा और मीठे भुट्टे। एक आदमी आकर राजू से सारे भुट्टे खरीद लेता है और बदले में 200 रुपए देकर जाता है। मैं इन्हीं पैसों से और भुट्टे खरीद लूंगा और कल भी शाम को भुट्टे बेचूंगा। इस तरह राजू सुबह जूते पॉलिश करता और शाम को भुट्टे बेचता है। एक दिन एक छोटी लड़की राजू के पास आती है। भैया क्या आपके पास पॉपकॉर्न है? नहीं मेरे पास पॉपकॉर्न नहीं है, मैं तो केवल भुट्टे बेचता हूँ। जब लड़की चली जाती है तो राजू सोचता है, क्यों ना मैं भुट्टों की जगह पॉपकॉर्न बेचूं। राजू पॉपकॉर्न बनाने का सारा सामान खरीद लेता है और पॉपकॉर्न का ठेला लगाना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में राजू का धंधा अच्छा चलने लगता है, क्योंकि गांव में राजू के अलावा और कोई पॉपकॉर्न नहीं बेचता। राजू जूते पॉलिश करने का काम छोड़ देता है। वो दिन में गांव में घूम घूम कर पॉपकॉर्न बेचता है और शाम को बाजार में अपना ठेला खड़ा कर लेता है। 8 साल बाद राजू एक सिनेमा हॉल के सामने पॉपकॉर्न की दुकान खोल लेता है। धीरे धीरे उसका धंधा इतना बढ़ जाता है कि गांव के हर नुक्कड़ पर राजू की एक दुकान होती है। एक दिन वही ट्रक वाला आदमी जिसने राजू को बहुत साल पहले कुछ भुट्टे दिए थे, बाजार में अपने भुट्टे बेचने आता है। राजू उस ट्रक वाले के पास जाता है। अरे अंकल क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही जूते पॉलिश करने वाला लड़का हूँ जिसे आपने कुछ भुट्टे दिए थे। उन भुट्टों की बदौलत ही आज मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। राजू भुट्टों से भरा पूरा ट्रक खरीद लेता है और ट्रक वाले को अच्छे पैसे देता है। मनीषा एक भुट्टे वाली थी जो रोज गांव के एक किसान से भुट्टे खरीद कर बेचती थी। बहन जी सारे ले लो, आसपास के किसी गांव में हमारे खेत जैसे मीठे भुट्टे नहीं हैं। ठीक है 10 किलो दे दो। मनीषा गांव से शहर जाने वाली सड़क के किनारे अपनी दुकान स्वादिष्ट भुट्टे वाली लगाकर राहगीरों को सिके हुए भुट्टे बेचती थी। मीठे भुट्टे खा लो, भुट्टे मीठे। लो सेठ जी मीठे भुट्टे खा लो, सिर्फ 10 रुपये का है। लाओ एक भुट्टा दे दो। वाह ये भुट्टे तो बहुत मीठे हैं। तो एक और ले लो। अरे नहीं नहीं एक और खाऊंगा तो मेरा ये गुब्बारे जैसा पेट फट जाएगा। धीरे धीरे बहुत सारे लोग उसकी दुकान से भुट्टे खरीदने लगे, जिससे मनीषा के पास बहुत पैसे जमा हो गए। अब उसके मन में लालच आ गया, अगर मैं इन भुट्टों का दाम बढ़ा दूं, तो मेरी कमाई दुगनी हो जाएगी, और अगर मैं इन भुट्टों को सस्ते दाम पर खरीदूं, तो मेरी कमाई चौगुनी हो जाएगी। इस बार जब मनीषा भुट्टे खरीदने गई, तो उसने किसान को आधे पैसे ही दिए। अब माफ करो, इतने कम पैसों में भुट्टे नहीं दे सकता, मुझे नुकसान हो जाएगा। ठीक है मैं किसी और किसान से ले लूंगी। मनीषा ने इस बार किसी और किसान से आधे दामों में भुट्टे खरीदे और बेचने लगी। भुट्टे ले लो, मीठे भुट्टे। ये भुट्टे तो कितने फीके हैं,
इनमें तो बिल्कुल स्वाद नहीं है। बेस्वाद भुट्टों के कारण मनीषा की दुकान चलना बिल्कुल बंद हो गई। अब उसके पास खाने के पैसे भी नहीं बचे थे। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अच्छे भुट्टे खरीद सकूं। मनीषा ने पैसे कमाने के लिए एक नई चलाकी की। उसने एक भुट्टे पर नशे की दवा मिलाकर एक राहगीर को बेच दी। भुट्टा खाते ही कुछ दूर जाकर राहगीर बेहोश होकर गिर पड़ा और मनीषा ने उसके पैसे और कीमती सामान चुरा लिए। इतने सारे पैसे, मजा आ गया। ये तो बहुत ही आसान काम है। ऐसे तो मैं बहुत अमीर बन सकती हूँ। मनीषा इसी तरह मालदार राहगीरों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूटने लगी। एक दिन उसकी दुकान पर एक अमीर लड़का भुट्टे खरीदने आया। बहन, एक भुट्टा देना। इस लड़के के गले में इतनी मोटी सोने की चेन। इसे नशीला भुट्टा देती हूँ, जिसे खाते ही ये बेहोश हो जाएगा और मैं चेन लूट लूंगी। मनीषा ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। उस लड़के ने भुट्टा खाया और कुछ दूर जाकर गिर गया और मनीषा उसकी चेन निकालने लगी। तभी वो लड़का उठ गया। मनीषा ये देख घबरा गई। मुझे पता था कि तुम हो और वो हो जो राहगीरों के पैसे और कीमती सामान चुराती हो। मुझे बहुत दिनों से तुम पे शक था, लेकिन आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अब पुलिस ही तुम्हें सजा देगी। मनीषा की लालची प्रवृत्ति के कारण ना सिर्फ उसका धंधा चौपट हुआ बल्कि उसे गलत रास्ते पर ले गया, जिसकी वजह से उसे सजा भुगतनी पड़ी। वसई गांव में एक पढ़ा लिखा नौजवान था, योगेश। योगेश की शादी उसी के गांव की एक लड़की शेवंता से हुई थी। शेवंता एक मच्छीमार परिवार से थी। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। शेवंता योगेश को रोज टिफिन दिया करती थी और योगेश रोज अपने दफ्तर चला जाया करता था। इनकी जिंदगी अच्छी कट रही थी। और फिर 2 साल बाद शेवंता ने एक बेटे को जन्म दिया। अब दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं था। लेकिन एक दिन योगेश हाथों में एक चिट्ठी लेकर घर लौटा और वो उस चिट्ठी को पकड़कर रोने लगा। काय झाला, तुम काय को रो रहे हो? मेरी नौकरी। क्या हुआ नौकरी को? मैं जहाँ काम करता था वो कंपनी बंद हो गई। और अकबाई, लेकिन तुम रो मत, तुमको कोई और नौकरी जरूर मिल जाएगी। लेकिन अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? योगेश फूट फूट कर रोने लगा और पूरा दिन काम करते करते शेवंता सिर्फ अब घर खर्च के बारे में ही सोच रही थी। और रात को सोते समय, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लेगी। और फिर तुम भी दूसरी नौकरी ढूंढ ही रहे हो ना, ये बुरा वक्त है, जल्दी ही बीत जाएगा। और अगले दिन सुबह सुबह शेवंता मच्छी खरीदने दरिया के पास पहुंची। उसने मछुआरों से मछलियां खरीदी और उन्हें पैसे दे दिए और फिर गांव लौटकर, मछली वाली ताजी ताजी मच्छी ले लो। शेवंता गांव-गांव घूमकर मछलियां बेचने लगी। उसे दिन भर में अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। मिले हुए पैसे में से शेवंता कुछ पैसे अपने घर खर्च के लिए रखती थी
और कुछ पैसे अलग से संभाल कर रख दिया करती थी। शिव भी रोज तैयार होकर काम की तलाश में निकल जाया करता था, लेकिन रोज निराश घर लौटता था। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। शिवंता रोज मछलियां बेचा करती थी। मछली वाली ताजी ताजी मच्छी ले लो। और फिर शाम को जब योगेश निराश बैठा करता था तो वो उसे तेल की मालिश किया करती थी। एक दिन शिवंता ने देखा कि उसके जमाए हुए पैसे अच्छे खासे हो चुके थे। वो योगेश के पास गई। मैं क्या कहती है, तुमको नौकरी क्यों करनी है, तुम कोई व्यापार क्यों नहीं करते? व्यापार करने में पूंजी लगती है, वो कहां से लाऊंगा? शिवंता वो बचाए हुए पैसे ले आई। ये मैंने जमाए हैं, तुम इससे अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। शिवंता के जमाए हुए पैसे देखकर योगेश की आंखें भर आईं। और फिर योगेश ने गांव में एक दुकान खोली। इसके बाद योगेश और शिवंता की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी। और फिर शिवंता ने गांव में घूम घूम कर मछलियां बेचना भी बंद कर दिया।